नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तो दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। और 2 वीक से मार्केट भी बहुत ज़्यादा डाउन है और जितनी भी करेंसी है उनके रेट भी बहुत ज़्यादा डाउन आ गए हैं, 20% पे आ गए हैं, 30% पे आ गए हैं। और सभी जो लीडर्स मेंबर्स हैं जो भी क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं वो सभी लॉस में चल रहे हैं आजकल। ऐसा क्यों हो रहा है उसको जानने की आप कोशिश कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बिटकॉइन का कुछ इशू चल रहा है, बिटकॉइन के जो इशू चल रहे हैं वो स्पेशली क्या है उसके बारे में जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले जो मेन इशू चल रहा है वो बिटकॉइन डेवलपर्स और बिटकॉइन माइनर्स के बीच चल रहा है, ठीक है। बिटकॉइन डेवलपर्स क्या चाह रहे हैं और बिटकॉइन माइनर्स क्या चाह रहे हैं। तो बिटकॉइन माइनर्स जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि ब्लॉकचेन का जो भी टेक्नोलॉजी है करंट में जो अभी फिलहाल क्या चल रहा है पहले तो आप वो देखिए, ठीक है। करंट में 20 बिटकॉइन कोर चल रहा है और एक बिटकॉइन एबीसी, ठीक है। और यूज़र एक्टिवेटेड सॉफ्ट फोर्क होता है, एक यूज़र एक्टिवेटेड हार्ड फोर्क होता है, एक बिटकॉइन यूनिट होती है, एक बिटकॉइन कोर चेन होता है, एक सेगविट सॉफ्टवेयर है, एक सेगविट डुएक्स। ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए अगर आप बिटकॉइन से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो सेगविट क्या है, बिटकॉइन कोर क्या है, बिटकॉइन अनलिमिटेड क्या है, बिटकॉइन एबीसी क्या है, बिटकॉइन डेवलपर्स का जो ब्लॉक साइज है वो क्या है, बिटकॉइन एबीसी क्या है, बिटकॉइन एबीसी एडजस्टेबल ब्लॉक साइज क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जितने भी जो हमारे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, एक तो सेंडर्स होते हैं, एक रिसिपेंट्स होते हैं, एक डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। सेंडर्स, रिसिपेंट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर जिसको बोलते हैं विटनेस। तो आगे क्या है कि इसके बाद आपको जानना है कि सेगविट क्या है। सेगविट क्या है कि सेपरेटिंग द विटनेस फॉर्म ट्रांजेक्शन और मेकिंग स्मॉलर द ट्रांजेक्शन साइज। तो सेगविट में क्या होगा कि ये मेथड है स्केलिंग ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क, ठीक है। स्केलिंग ऑफ बिटकॉइन नेटवर्क टू कन्फर्म मोर ट्रांजेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन कन्फर्म हो इन ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में विदाउट इंक्रीज द ब्लॉक साइज। ब्लॉक का साइज इंक्रीज किए बिना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो सेम ब्लॉक में इन सेम बिटकॉइन नेटवर्क। ये है सेगविट की परिभाषा, ठीक है। तो अभी क्या है कि सेगविट में क्या है कि ब्लॉक साइज के जो कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं उनको लेकर के कुछ इशू चल रहा है, ठीक है। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 80% माइनर्स जो है वो ये बोल रहे हैं कि वो सेगविट के साथ हैं, उसके साथ अपग्रेड करेंगे अपने जितना भी सिस्टम है, ठीक है। लेकिन ये इसको चाहिए 95% सेगविट को। जो सेगविट का जो सॉफ्टवेयर है वो 21 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। लॉन्च होने के बाद हम ये देखेंगे कि सेगविट का सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से काम करता है कि नहीं, ज़्यादा माइनर्स हैं वो इसमें आते हैं कि नहीं, बिटकॉइन का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो चलता है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या सॉफ्टवेयर ये बिटकॉइन माइनर्स, उस बिटकॉइन माइनर्स और डेवलपर्स के बीच अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता है, कुछ लोग जाएंगे सेगविट की तरफ, कुछ लोग जाएंगे सॉफ्ट फोर्क की तरफ और कुछ लोग जाएंगे हार्ड फोर्क की तरफ। क्योंकि 21 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आप अपने ट्रांजेक्शन मत कीजिए। अगर आपने ट्रांजेक्शन किया या उसके बाद भी आपने ट्रांजेक्शन किया तो काफ़ी लॉस में रहेंगे आप। वो क्यों रहेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर सेगविट 2x जो है अगर वो लॉन्च हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया तो इसको 3 महीना लगेगा जितने भी ब्लॉक है इन सब को वेरीफाई करेगा। उसके बाद जितने भी बिटकॉइन जो मार्केट में हैं चल रहे हैं, बिटकॉइन कोर क्लाइंट, ब्लॉक साइज और इनका सब का जो है ब्लॉक बनेगा अलग से, और जो ट्रांजेक्शन है और जो नेटवर्क है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन उसको 3 महीने का टाइम चाहिए सारे के सारे ट्रांजेक्शन को कन्वर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह में सॉफ्टवेयर में। तो अपडेशन के लिए 3 महीने का टाइम चाहिए। और इसी बीच क्या है कि इनका जो ब्लॉक का जो साइज़ है वो 1 MB से 2 MB में हो जाएगा, ठीक है। जब अगर ब्लॉक का साइज़ बढ़ेगा 1 MB से 2 MB में, उसके बाद क्या होगा ये 3 महीने का टाइम ले लेगा, ठीक है। तो 3 महीने के टाइम को बोलेंगे हम हार्ड फोर्क क्लाइंट, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या होगा, जो 3 महीने का टाइम होगा उसके बाद जो नई टेक्नोलॉजी आएगी उसमें हो जाएगा। अगर स्प्लिटिंग हुई तो क्या होगा, सेगविट सॉफ्ट फोर्क है ये, इसके नए नोड्स बनेंगे, नए नोड्स के बाद 800 बिटकॉइन यूनिट्स के नोड्स बनेंगे इसके, न्यू कैपेसिटी होगी, न्यू नेटवर्क होगा इसका, सेम ब्लॉकचेन होगा लेकिन और विदाउट एनी स्प्लिट होगा। स्प्लिट हो गई तो नुकसान है, या तो आपके पास जो बिटकॉइन है वो डबल हो जाएंगे, या आपके पास जो BTC है वो हाफ हो जाएगा, या आपके पास जो BTC आपका ब्लॉकचेन में पड़ा है वो आधा कहीं पर चला जाएगा, आधा हाफ कहीं पर चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ चल जाएगा। अगर ऐसा होता है, स्प्लिटिंग होती है, तो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि आपका या तो डबल होगा, नेगेटिव न्यूज़ ये है आप बिटकॉइन लूज़ भी कर सकते हो, हाफ भी हो सकता है। थर्ड थिंग ये है कि अगर आप
आपके पास BTC हो तो उसको आप अपने हार्ड वॉलेट में स्टोर कर सकते हो, जैसा कि लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, ठीक है। अगर आपका सॉफ्टवेयर उड़ गया तो, सॉफ्टवेयर गोन, तो ऑल BTC शुड बी गोन, ठीक है। तो आप उसको कभी भी रिकवर नहीं कर सकते। तो उससे बचने के लिए अभी क्या है, अभी क्या बता रहे हैं हम आपको, जो बिटकॉइन कोर है और सेगविट सॉफ्टवेयर है, इनके बीच में अभी जो इश्यू चल रहा है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जितने भी 60,000 BTC हैं किसी के पास, जो भी टॉप इनके लीडर्स हैं, किसी के पास 1,20,000 BTC है, तो उनको चेंज ओवर होने में 3 महीने का टाइम लगेगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच इशू चल रहा है, मेनली इशू जो दो जो टॉप अर्नर हैं उनके पास इशू चल रहा है, और वो चाहते हैं कि सेगविट में आ जाए, कोई चाहता है सॉफ्ट फोर्क में जाए, कोई चाहता है हार्ड फोर्क में जाए, ठीक है। तो आपको करना क्या है बाद में, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या जाना है, कॉइन मार्केट कैप में जाइए, टॉप की 10 करेंसी देखिए, जस्ट लाइक इथेरियम, इथेरियम क्लासिक, रिपल, लिटकॉइन, अल्टकॉइन, डैश कॉइन, ZEC, XMR, और अभी एक एरिलियम कॉइन है और एक ओग्जफन है, ये दो कॉइन है। अभी इनका फ्यूचर अच्छा है काफ़ी, बिट्रक्स पर रजिस्टर्ड होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो आप इनको बाई करके रख लीजिए। जैसे ही इनका जो सॉल्यूशन होगा बिटकॉइन का जो है, और अगर इनको आपने बाई करके रख लिया तो आपके पास जो BTC है वो इथेरियम के रूप में रहेगा। इथेरियम फास्टेस्ट ग्रोइंग क्रिप्टो करेंसी है अभी, इथेरियम में अगर आपने लगा दिया, इथेरियम क्लासिक में लगा दिया, वो आपको प्रॉफिट देंगे फ्यूचर में अगले 3 महीने के लिए, ठीक है। और अगर आपका बिटकॉइन वॉलेट में पड़ा रह गया, तो ब्लॉकचेन में पड़ा रह गया, जेब पे पर रह गया, तो जो इश्यू है उसके बीच आपका जो BTC है वो फंस सकता है। जैसे ही 21 जुलाई को ये सब कुछ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा सेगविट का सॉफ्टवेयर, तो 21 जुलाई से 31 जुलाई के बीच आप ट्राई कीजिए कि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा ना करें, ट्रांजैक्शन कम से कम कीजिए, ठीक है। क्योंकि उस पीरियड में जो है, जो ट्रांजैक्शन है इनका, जो सेगविट सॉफ्टवेयर का टेक ओवर करना, फिर उसके बाद अगर स्प्लिटिंग होती है या नहीं, अगर स्प्लिटिंग हो गई तो क्या क्या लॉस है और क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, वो भी आपको पता चल जाएगा। और नए ब्लॉक के जो साइज बनेंगे 1 MB से 2 MB में, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन का है वो किस तरह का होगा, वो भी आपको उस टाइम पता करना पड़ेगा, ठीक है। सेगविट सॉफ्टवेयर जो बेसिकली, अभी माइनर्स तो बोल रहे हैं कि चलेगा, 80% तो रेडी है, लेकिन कुछ हैं कि वो रेडी नहीं है। अगर BTC स्प्लिटिंग हो गया तो यह फिर हार्ड फोर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। BTC स्प्लिटिंग अगर हो गया तो हार्ड फोर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। हार्ड फोर्क का मतलब 3 महीने का टाइम और लगेगा, 1 अगस्त से नवंबर के बीच ये सारा इश्यू सॉल्व होगा उस टाइम, क्योंकि ब्लॉक नए बनेंगे, उनका साइज इंक्रीज होगा, सारा BTC वो ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह में। तो उससे बेटर आपके पास जितना भी BTC है उसको या तो स्टोर करके रख लिए कहीं, या फिर टॉप 10 जो क्रिप्टो करेंसी हैं कॉइन मार्केट कैप में देखिए, उनको बाई करके रख लीजिए, ताकि आने वाले 3 महीने में आप उनसे प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि उनका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो उनका फिर बिटकॉइन से कोई मतलब नहीं है, और बिटकॉइन का जो रेट फ्लक्चुएशन है वो चलता रहेगा, और अभी बिटकॉइन का रेट काफ़ी डाउन आ सकता है, ठीक है। और जितनी भी एक्सचेंज है वो 10 से 12 घंटे के लिए रोक दी जाएंगी 21 जुलाई के आसपास, ठीक है, जब ऐसा होगा तो अभी आपको जो बिटकॉइन के ऊपर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फोकस रखिए अपना बिटकॉइन की, जो करंट ये इशू चल रहा है इससे टचअप में रहिए आप, ठीक है, और देखते रहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट कीजिए। आपका जो प्रॉफिट होगा लॉस होगा उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम था आप लोगों को एडवाइस करना, सजेशन करना, वो आपके ऊपर है। आप BTC को होल्ड करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं, या INR में कन्वर्ट करते हैं, या कोई क्रिप्टो करेंसी बाई करके रखते हैं, वो आपका इश्यू है, ठीक है। मेरा काम आप लोगों को एडवाइस करना था, वो मैंने कर दिया, और आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको टाइम टू टाइम सारी करंट अपडेट्स क्रिप्टो करेंसी के बारे में मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।